हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स चैप्टर 13 पेज नंबर 167। चैप्टर 12 पेज नंबर 167। हाउ मैनी सेल्फ। आई हैव 20 बुक्स। आई कैन कैप 5 बुक्स इन वन सेल्फ। हाउ मैनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माय अलमारी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कितनी टोटल कितनी बुक्स हैं, टोटल कितनी बुक्स हैं, 20। एंड सेल्फ कितने हैं, एक बुक में कितनी रख रहा है वो, 5। एक सेल्स में, वन सेल्स में कितनी रख रहा है, 5। तो क्या करेंगे, टोटल कितना है, 20। एंड एक सेल्स में कितनी रख रहा है, 5। तो कितना, 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, आंसर इज 4। कितने सेल्स चाहिए, 4। अब यहाँ पे देखो किया हुआ है, क्या किया है, फर्स्ट 5 बुक्स अरेंज की, फिर 5 की तो कितनी हो गई, 10 बुक्स हो गई, फिर 3 में की तो 15 बुक्स हो गई, अब कितनी बची, 5। तो फिर से यहाँ कर दी 1 2 3 4, 5 5 5 5, कितनी हो गई, 20। ईच में कितनी हो गई, 4। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय जो हमें पर्टिकुलर दिया होता है नंबर, वो करने का होता है। नाउ लेट अस ट्राई दिस। हियर आर अ 28 बटन्स। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, 28 बटन्स दिए हुए हैं। अ टेलर पुट्स 4 बटन ऑन अ वन शर्ट। अब वन शर्ट में वो कितने बटन्स डाल रहा है, 4। यानी तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने बटन्स हैं, 28 डिवाइडेड बाय 4। तो कितने शर्ट्स वो बटन डाल पाएगा, तो 7 4 28, तो आंसर इज 7। ठीक है, वैसे ही अब नीचे देखो आपको दिया हुआ है, इफ़ देर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन्स। अब 4 की जगह कितने डाल रहा है, 7। तो क्या करेंगे, टोटल बटन्स तो उतने ही हैं, पर अब पुट ऑन कितने कर रहा है, 7। तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, यानी 28 डिवाइडेड बाय 7 इज आंसर 4। यानी कितने शर्ट्स वो फिल कर पाएगा, तो 4 शर्ट्स फिल कर पाएगा। चलो ऐसी ही अब आपकी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस टाइम। ये मोस्ट आईएमपी सम्स हैं, तो आपको अब ध्यान देना है। मिंकू पुट हर 15 लड्डू इक्वली इनटू 5 बॉक्स। टोटल कितने लड्डू हैं, 15, और बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मैनी लड्डू विल देयर बी इन ईच बॉक्स। अब टोटल कितने हैं, 15, और बॉक्स कितने हैं, 5। तो 5 3 15, यानी देयर विल बी डैश लड्डू इन ईच बॉक्स। तो कितने लड्डू आएंगे, 3 लड्डू आएंगे। इफ सी यूज्ड ओनली 3 बॉक्सेस, तो अब क्या करेंगे, टोटल लड्डू तो उतने ही हैं, 15। हाँ, टोटल लड्डू तो 15 है, पर अब पार्ट्स कितने करने हैं, बॉक्स में कितने डालने हैं, 3 में डालने हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 5। यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 15 5 और 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। सेट 25 बनानाज अमोंग 5 मंकी। तो टोटल कितने हैं, 25 बनाना, कितने मंकीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 25 में। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 5, एंड ईच एंड एवरी मंकी गॉट 5 बनाना। ठीक है, तो आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है। थर्ड, सेव 12 बलून्स अमोंग 3 बॉयज। तो क्या करेंगे, टोटल बलून्स कितने हैं, 12, कितने बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3। यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे हमें डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4, एंड ईच एंड एवरी बॉय हैज 4 बलून्स। फोर्थ, देर आर 21 कैंडल्स, पुट देम बॉक्स इक्वली इन 3। टोटल कितना है, 21 टोटल है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है या बॉक्स में पुट ऑन करना है, उससे हम डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी आंसर इज 7। ठीक है, नेक्स्ट। देर आर 18 सॉक्स, कितने सॉक्स हैं, 18। हाउ मैनी गर्ल्स कैन वेयर दिस सॉक्स। ऑफ गर्ल्स की लेग्स कितने होते हैं, हाउ मैनी लेग्स है, गर्ल्स के पास कितने लेग्स होते हैं बच्चों, लेग्स
बॉय हो या गर्ल हो, कितने लेग होते हैं? 2। टोटल सेक्स कितने हैं? 12। यानी क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 2 से 18 को डिवाइड करें तो आंसर इज 9। कितने? 9 गर्ल्स सॉक्स पहन पाएंगी। राज हैज 36 मिनट्स टू मेक अ रोटी। 1 रोटी टेक 3 मिनट्स। हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस मिनट? ही कैन मेक डेस रोटीज। ठीक है, अब की टोटल कितनी रोटी है? 36 मिनट्स में कितनी? 1 मिनट में 3। टोटल कितनी है? 36। अब 1 मिनट का टाइम क्या है? 3। तो डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितनी रोटी हमने बनाई है, सॉरी राजू ने बनाई है। 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन ज़ा 3, 0 6, 3 टू ज़ा 6, यानी क्या आंसर आया? 12। यानी 36 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 12। कितनी रोटी बनाई होंगी राजू ने? ही मेक 12 रोटीज। देर आर 24 फुट मार्क्स ऑन गॉड्स, सो हाउ मैनी गॉड्स वेर देर? अब गॉड्स के लेग्स कितने होते हैं बच्चों? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। टोटल कितने फुट मार्क्स है? 24। टोटल डिवाइडेड बाय जो हमें दिया हुआ है, कितने, एक गॉड का लेग कितना होगा? 4 लेग्स होंगे, यानी 24 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या करेंगे? 6 4 ज़ा 24, तो आंसर इज 6। ठीक है, तो आपको ये आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।